सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, ज़रा गौर से सुनिएगा। और सर्दी का मौसम था इसलिए सब खास आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कह लें कि कीमती अशिया रखी गई थी। वज़ीर और मुशीर वगैरह सब दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह के ख़ानदान के और भी बहुत अफराद थे जो वहाँ पर मौजूद थे। अब उसी वक्त ना एक शख्स आता है और वो दरबार में दाखिले की इजाज़त चाहता है। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ, आपसे पहले दूसरे ममालिक के बादशाहों के पास भी गया हूँ और अपनी इन चीज़ों को बादशाह के सामने रखता हूँ और कोई बादशाह इन चीज़ों में फ़र्क नहीं जान पाता, तमाम यानी हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ, अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने पूछा कि क्या है इन अशिया में, ज़रा हमें भी बताएं। उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी थी इसलिए सब कन्फ्यूज़ होते थे। अब बिल्कुल आप समझ लें कि एक दूसरे की नकल महसूस होती है, ऐसी थी दोनों अशिया। बादशाह ने कहा कि ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई फ़र्क ही मालूम नहीं हो रहा। उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, दिखाई तो ये एक सी देती हैं लेकिन हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ और यही आपका इम्तिहान है। अब इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और दूसरा शीशा है, शीशे में और हीरे में फ़र्क है। अब बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है। कोई जांच कर बताए कि इन दोनों में से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है, और अगर कोई सही पहचान गया तो मैं हार गया, और अगर मैं हार गया तो ये कीमत हीरा उसका हो जाएगा, यानी अगर आप पहचान गए तो आपका हो गया। लेकिन शर्त ये कि अगर आप नहीं पहचान पाए तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी कीमत यानी उतनी रकम आप मुझे बतौर इनाम देंगे। और इस तरह जब मैं बाकी ममालिक में बादशाहों को हरा कर आया हूँ, मैं ये रकम जीत कर आया हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मैं तो नहीं पहचान सकता कि कौन सा हीरा कौन सा शीशा है। वज़ीर और मुशीर जो पास खड़े थे वो भी बोले कि हम भी नहीं जान सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त और हार ही मुकद्दर बनेगी। शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, जारी बात है बादशाह था सामने और बादशाह के पास तो बहुत दौलत थी, उसे क्या मसला था। मसला ये था कि बादशाह की इज़्ज़त और बादशाह की अना, क्योंकि तमाम आलम में मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है और अगर वो हीरे और शीशे में फ़र्क नहीं कर पाती तो इस सूरत में ज़रा सोचें कि क्या होता, जागसाई होती। अब कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था, इतने में थोड़ी हलचल होती है। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा, उसने कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैंने तमाम बातें सुनी और ये भी सुना कि कोई पहचान नहीं पा रहा, एक मौका ज़रा मुझे भी दे दिया जाए। एक आदमी के सहारे नाबीना शख्स बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वैसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दे दिया जाए ताकि मैं भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूँ और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊँ, और अगर कामयाब नहीं भी हो सका तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं है लिहाजा मौका दे दिया जाए। बादशाह ने कहा कि ठीक है, इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी जाएं। और पूछा गया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है, यही आपको मालूम करना है। अच्छा, उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा है, यानी नाबीना शख्स ने बता दिया कि कौन सा हीरा और कौन सा शीशा है। अब जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हुआ और उसने कहा तमाम ममालिक के बादशाहों से मैं नाम लेकर आया हूँ और वो हार गए, वो नहीं पहचान सके कि कौन सा हीरा कौन सा शीशा है, इस अंधे आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा, आपको मुबारक हो अपने वादे के वो मुताबिक, अब ये जो हीरा है ये बादशाह सलामत आपका हुआ। अब तमाम लोग हैरान थे और वो जानना चाहते थे कि नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया, मतलब जो नाबीना है जिसको नज़र भी नहीं आ रहा, हम लोग नहीं पहचान सके तो देख सकते हैं, अब नाबीना शख्स ने कैसे पहचाना कि असल हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। सबने सवाल पूछा उस नाबीना शख्स से और सबको बेसब्री से इंतज़ार था उसके जवाब का। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब कहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया, मुझे नज़र तो नहीं आता, मैं नाबीना हूँ, लेकिन मैंने दोनों को छूकर देखा, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। ये कहानी थी। और ज़िंदगी में भी आप कह लें कि खोटे और खरे की पहचान यही है, जो शख्स हिकमत अमली स्ट्रैटेजी अपनाना जानता है मौके की मुनासबत से वो हीरा ही होता है ना।
जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाता है, हालात का सामना नहीं कर सकता है और बनी हुई सिचुएशन को बिगाड़ लेता है, वो शीशा ही हो गया। और जो तमाम हालात में पहले हालात का जायज़ा लेता है, सूरत हाल का जायज़ा लेता है, सिचुएशन का जायज़ा लेता है और फिर अपनी हिकमत अमली के तहत मामले को हैंडल करता है, अकल से काम लेता है, वो हीरा हो गया। अब मुल्की सियासत पर आ जाते हैं। इस कहानी के बाद ज़रा मुल्की सियासत पर आते हैं। मुल्क में दो बड़ी अपोजिशन जमातें, एक शेर वाले एक तीर वाले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, थी उनका हाल क्या है? शीशे और हीरे जैसा। अब आप सोचेंगे मैं हीरा किसे कह रही हूँ और शीशा किसे कह रही हूँ, अंडरस्टूड सी बात है, आप भी समझते हैं, हालात को देखते हुए बताएं ना कि कौन हीरा है इनमें से, कौन शीशा है। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं, आप सब ने देखा कि मुस्लिम लीग नून को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और ये शेर वाली पार्टी, वैसे तो शेर घबराता नहीं है लेकिन ये शेर घबराया घबराया नज़र आया और घबरा घबरा कर अपनी नाकामियों का मलबा इन शेरों ने इदारों पर गिराना शुरू कर दिया, कभी अपनी हलीफ जमात पर। आपको याद है ना जब नून लीग के कायद नाहल हुए थे, ज़रा याद करें, तो उन्होंने अपना कसूर मानने की बजाय क्या किया था, आला अदलिया पर हमले शुरू कर दिए जिसने उन्हें सज़ा सुनाई। उन्होंने जजिस को बुक से भरा हुआ कह दिया कि जजिस तो बुक से भरे हुए हैं, मौजस जजिस को ज़मीन तंग करने की सरेआम अललन तड़ियाँ लगाई गई। आम इंतखाबात में जब मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई तो उसने अपनी हार को तस्लीम करने के बजाय उस हार की वजूहात जाने बगैर खुद से ये मान लिया कि उसको किसी तीसरी कुव्वत ने हराया। और जब मुस्लिम लीग नून मुश्किल हालात की हिद्दत का सामना नहीं कर सकी तो उसने इसी शीशे की तरह, जो आपको कहानी सुनाई, शीशे की तरह गर्म होकर रियासत मुखालिफ बयानियां अपना लिया। एहतसाब के शिकंजे में जब लीगी रहनुमा आ फंसे तो फिर अपने खिलाफ इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए, सबूत देने के बजाय, उन्होंने शीशे की तरह गर्म होकर इदारों पर हुकूमती गठजोड़ के इल्ज़ाम लगा दिया। पीडीएम में अपनी मर्जी के मुतालबे नहीं माने गए तो इन्हीं शेरों ने, मुस्लिम लीग नून वालों ने अपने इतिहादियों को आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून तीन ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुई, तब तक तो सब ठीक था क्योंकि ये कामयाब हुए हैं जी, सारा चंगा है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कराची के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में हारी तो फिर क्या हुआ जी, शिकस्त तो बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, अपनी साबिका हलीफ जमात पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उनकी जीत को डील से जोड़ दिया क्योंकि जब ये जीतते हैं तो कोई धांधली नहीं होती, जो मुझे आज तक इनकी समझ आई है, लेकिन जब ये हारते हैं तो भाई बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो गई। और धांधली क्या, डील है, डील हो गई। पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का आला कार करार देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून पर जब जब आप कह लें कि कड़ा वक्त आया तो उसने हीरा बनने की बजाय शीशा बनना पसंद किया। एक इंसान के पास ऑप्शन होती है, ज़रा याद रखिएगा, वो हीरा भी बन सकता है, वो शीशा भी बन सकता है। सबके पास सलाहियतें होती हैं, सबके पास दिमाग नामी चीज़ होती है, अकल होता है, शऊर होता है, तजर्बा तो इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप हीरा बनना पसंद करते हैं या फिर शीशे की तरह गर्म बनना पसंद करते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर शीशा बनने की कोशिश की, वही शीशा जो गर्म भी हो जाता है और फिर कभी कभी दबाव पड़ने पर टूट भी जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ पीपल्स पार्टी की, अगर आप तर्ज़ सियासत देखें तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कहानी मैंने आपको सुनाई और कहानी में हीरा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं पर आपको पता मुकदमात बने लेकिन उन्होंने कठिन हालात में भी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। मुस्लिम लीग नून के कह लें कि लाख उकसाने पर भी पीपल्स पार्टी ने इदारों के तकद्दस का ख्याल रखा, उन पर हमले नहीं किए, उन्हें मुतनाज़े बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरह कह लें कि सड़कों की सियासत करने के बजाय पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ जंग करने को तरजीह दी। इसे कहते हैं मंझी हुई पार्टी, समझदार पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को अगर मैं मैच्योर पार्टी कहूँ, मंझी हुई पार्टी कहूँ, समझदार पार्टी कहूँ, प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया जबानी जमा खर्च नहीं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिन बिलावल को बच्चा बच्चा कहते हैं, जिन बिलावल को टॉन्ट करते हैं, तंज करते हैं, वो बिलावल आपसे ज़्यादा समझदार साबित हुए तो फिर बच्चा कौन हुआ? तजर्बा आपको ये नहीं सिखा सका कि हीरा बनना है शीशा बनना है, तो जिनको आप बच्चा कहते हैं, उम्र के ताने देते हैं, कम तजर्बे के ताने देते हैं, वो हीरा साबित हो गया प्रैक्टिकली। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि मामलात को हिकमत अमली के तहत स्ट्रैटेजी अच्छी आपने कैसे अपनानी है, कैसे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी ने सब्र से कह लें कि मुश्किल वक्त का भी मुकाबला किया, जिसका नतीजा क्या निकला, यही कि पार्लियामानी सियासत ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को विफाक में सैनेट इंतखाबात में हुकूमत के खिलाफ नाकाबले यकीन कामयाबी दिलाई, यही नहीं जब पीपल्स पार्टी के इतिहादियों ने चेयरमैन सैनेट के इंतखाब में इसके साथ हाथ किया तो बजाय पीपल्स पार्टी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाने के
ठंड प्रोग्राम से काम लेते हुए ऐसी गेम खेली कि उसने सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर बना लिया और पीपल्स पार्टी के इसे ठंडे मिजाज को कह लें या जो मूरी पटरी पर चलने की वजह से सादत की वजह उन्होंने कराची में अपना खोया हुआ एतमाद कह लें कि किसी हद तक वापस हासिल कर लिया, दिमाग से काम लिया और यूं आप कह लें कि NA 249 में इन्होंने कामयाबी का मार्का सर कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के गर्म मिजाज ने उसे अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करने दी, बल्कि उसको ये खुमार रहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्हें यहाँ हरा दिया। मतलब वही सोच के अगर आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, कोई धांधली नामी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर फलाने तो डील कर ली, तो कोई तीसरी कुवत आ गई, अगर आप हार गए तो धांधली हो गई। कुछ मेरे ख्याल से आपको मैच्योरिटी का सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। शायद खाना बाद सबका क्लिप ज़रा सुनिएगा, देखिएगा क्या कहते हैं। जी सुना आपने, हुकूमत के बाद अब पीपल्स पार्टी भी यही बात कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के नज़दीक शफाफ इलेक्शन वही होते हैं जिसमें वो कामयाब होती है और जिसमें वो हार जाए तो ऐसे में वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा ही होंगे। जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून हार गई तो धांधली तो हुई और तारीख ही धांधली हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं जीती। और इस बात पर पीपल्स पार्टी को सिलेक्टर्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने और जीतने का इल्ज़ाम भी ये लोग लगा रहे, क्योंकि इंतखाबी सर्वे में पीपल्स पार्टी का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। इनसे मैं आज जाना अर्ज ही कर सकती हूँ कि सर्वे में तो PTI भी जीत रही थी लेकिन वो पाँचवें नंबर पर आई, तो ऐसे में तो फिर तहरीक इंसाफ तो हक बजानब होगी ना कि वो ये दावा करे कि ये कुर्सी उसकी थी लेकिन वो इसे छीन ली गई। अब लीगी रहनुमा से अर्ज़ है कि अगर सर्वे ही जीत का मैार होता तो फिर इसी सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला कर लिया जाता, इंतखाब लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती ना, और ना ही ये जो सख्त गर्मी है रोज़े की हालत में वोटर्स को अपने घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती। अब लीगी रहनुमा ये भी फरमा रहे हैं कि जहाँ सेलेक्टर्स जीत दिलवाएं वहाँ आवाम की राय की कोई वक़्त नहीं होती। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अगर यहाँ से नून लीग जीत जाती तो फिर अवामी राय का एहतराम हो जाता और वोट को इज्जत मिल जाती, और मुस्लिम लीग नून का वही हाल है कि परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे और अपनी हार का गुस्सा ये कहकर निकाल रही है कि वो जानती है कि पीपल्स पार्टी के अजाइम क्या हैं और यहाँ इसको दाल काली नजर आ रही, पूरी दाल काली है। अब नून लीग के आप गर्म मिजाजी मुलाहिजा जरा कीजिए कि उन्होंने हार को अपने हवासों पर इतना सवार कर लिया कि पीपल्स पार्टी को बेवफा कह रहे हैं, और साथ ये भी बताया जा रहा है कि एतमाद तोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी की ओपोजिशन इतिहाद में कोई जगह बाकी नहीं रहती है। और पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के इल्जाम का जवाब अपनी तीर अंदाजी से खूब दी है। जरा सईद गनी साहब का क्लिप चलाएगा टीम जी। तो सईद गनी साहब क्या कहते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर और उनकी फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है और उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को NA 249 के इंतखाब से पहले ही बता दिया था कि मिफ्ता इस्माइल नून लीग की जानिब से मुनासिब उम्मीदवार नहीं है। और तो और सईद गनी साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर के सामने ये पेशगोई भी कर दी कि मुस्लिम लीग नून हमसे हार चुकी है, वो हमारे मुकाबले में नहीं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिर्फ TLP से होगा, और हुआ भी वैसे ही। अब इस सारी गुफ्तगू का नतीजा निकाला जाए तो साबित क्या होता है कि पीपल्स पार्टी को हल्के की अवाम और इसकी नफसियात का बाखूबी इल्म था, इदराक था, जबकि नून लीग कह लें कि से गाफिल रही और इसके बावजूद ही उम्मीद रखना कि पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही आ नहीं सकती, फिर वो कैसे जीत गई। इसे मुस्लिम लीग नून की आप कह लें कि खुशफहमी हो सकती है या फिर हद से ज़्यादा खुद एतमादी, और हद से ज़्यादा कुछ भी हो जाए तो वह सही नहीं होता। सिलेक्टर्स के बगैर जीतना नामुमकिन है, तो जैसा सईद गनी साहब ने फरमाया कि फिर ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने वज़ीराबाद, नौशहरा और डस्का में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे तीनों नशस्तें जीत लीं। अब इसका फिर क्या ये नतीजा निकाला जाए कि मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट से डील कर ली। सईद गनी की इस बात में भी वजन है कि दोहरा मैार तो नहीं हो सकता कि जहां से जीत जाएं वहां बल्ले बल्ले और जहां से हार जाएं वहां तो डील हो गई, धांधली हो गई। अगर आसिफ अली जरदारी रिहा हो जाते हैं तो नून लीग इसको डील कह देगी सीधा सीधा, और जब शहबाज शरीफ, साद रफीक, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और लीगी रहनुमा रिहा हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, मैरिट कहलवाएगा। बहुत अच्छे। अब एक और मज़े की बात ज़रा सुन लें, नून लीग की मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इंतखाबी मवाद ज़ाया किया जा सकता है, और मिफ्ता इस्माइल ने तो इस हवाले से दरख्वास्त भी डाल दी है कि इंतखाबी मवाद रेंजर्स या पाक फौज की निगरानी में महफूज जगह रखा जाए। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये नून लीग इदारों की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहती, लेकिन जब बात अपने ऊपर आ गई तो फौज को दरमियान में ले आई। इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जो आप ज़रा अपनी TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, चलाइएगा ज़रा टीम।
उन्होंने क्या ट्वीट किया जी, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए और जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी है, इसीलिए कहते हैं कि सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तो लो। इदारों का एहतराम ज़रूरी इसीलिए भी है कि जी इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते और मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन ये बात गर्म मिजाज वालों को कहाँ समझ आती है, जो हालात का मुकाबला करने के बजाय क्या करते हैं, जो मुखालिफ आवाज़ें हैं ना उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं। और अब मिफ्ता साहब जो हैं उनका फ़ौज को इंतखाबी निज़ाम में मुदाखलत की दावत देने पर बिलावल ने भी आज कहा है कि जी फ़ौज को इंतखाबी अमल में मुदाखलत के लिए कहने से इलेक्टोरल निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा। अब जैसा कि बशीर मेमन साहब के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि वो नून लीग के आदमी हैं और माजी में उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम दिया है और हुकूमत भी इस बात की तस्दीक कर रही है। हलीम आदिल शेख बशीर मेमन पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि उनकी वजह से ईमानदार अफसरान का सर शर्म से झुका। हलीम आदिल शेख साहब ने यह भी दावा किया कि बशीर मेमन के पास बहुत जायदादें हैं, जगह जगह उनकी ज़मीनें हैं और हलीम आदिल शेख साहब उन्हें पहले बहुत ईमानदार इंसान समझते थे लेकिन अब उन्हें करप्ट समझते हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। और उन्होंने अपने से मुंसलिक बशीर मेमन का एक वाकया भी मीडिया को बताया। उन्होंने मीडिया को क्या बताया कि बशीर मेमन ने उनसे मुलाकात की और मेमन साहब ने उनसे कहा कि अगर उनको मौका मिले तो वो बिलावल और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब दूसरी जानेब बिलावल भी यही कहते हैं कि बशीर मेमन ने जो हुकूमत के खिलाफ महाज खोला, अगर वो अपने दावे में सच्चे थे तो जिस वक्त हुकूमत उन पर आला शख्सियत के खिलाफ केस बनाने का दबाव डाल रही थी तो उन्होंने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब नौकरी जाने के बाद उन्हें अचानक से ख्याल आ गया कैसे। और फारूक हबीब साहब वो भी कह चुके हैं कि बशीर मेमन ने एतराफ़ कर लिया कि वज़ीर आज़म ने उन्हें किसी आला शख्सियत के खिलाफ केस बनाने को नहीं कहा था। अब नाज़रीन सब बताने का मकसद क्या है, सब बताने का मकसद सीधा सीधा ये, पार्टी और हुकूमत भी यही कह रही है कि बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून की इमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून इंतकाम में कह ले कि इंतकाम में इतनी भड़क उठी है कि वो अपने सियासी हरीफों से बदला लेने के लिए सही और गलत में फ़र्क ही भूल गई है। आज मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल को मशकूक कहती है, अगर वो हुकूमत के साथ इंतखाबी असलाहत कर लेती तो क्या बात होती, लेकिन मुस्लिम लीग नून अब भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रही बल्कि कह लें कि ख्वाम ख्वामे सीख पा हो रही, गर्म हो रही है। और गर्म होने का क्या फ़ायदा, ठंडे रहें ठंडे शायद कोई फ़ायदा हो जाए। ऐसे इकबाल साहब का क्लिप चलाइएगा, आप देख लें आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो पेशकश है वो भी इन्होंने धांधली करार दे दी, यानी आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि जब भी हुकूमत किसी चीज़ को सही करना चाहेगी तो आप अवेला मचाएंगे और आप उसको धांधली कह देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह जहाँ से आप जीत जाते हैं वहाँ पे शफाफ तरीन इंतखाबात है, चूँकि नून लीग जीत गई तो शफाफ होंगे, शफाफियत पर कैसा शक, हमारी क्या जरूरत कि हम शक करें सवाल करें, लेकिन जहाँ पर नून लीग हार जाती है तो वहाँ पर धांधली होगी और वह धांधली नहीं होगी, चूँकि नून लीग हारी है तो तारीखी धांधली होगी, डील भी हो सकती है चूँकि नून लीग हारी। ऐसे कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान मुबारक शुरू होते हमने देखा है कि मुल्क भर में मुनाफाखोरों की जानिब से अशा खुरानोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अब रमज़ान में ज़रा सोचें कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, ओपन मार्केट में जो 100 किलो गंदम के रेट है उसमें 200 रुपये बढ़ गए हैं और जो रिटेल सतह है उस पर राशन का जो आटा है 70 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुँचा है। अब आज फैज़ुल्ला कमोकी साहब की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी खजाना है उसका अजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी शरीक हुए थे। उनका क्या कहना था ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जी मईशत का पहिया चल नहीं रहा है और IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है, बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज़ है और टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। साफ साफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया। आगे क्या कहते हैं जी, GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज है, टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। आगे सुनते जाइएगा वजीर खजाना साहब का क्या कहना था कि जी IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है
और 2 माह से महसूलात में इजाफा हो रहा है। तहम मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले करना होंगे। अच्छा ये भी काजरा सुनिएगा, आगे चलिएगा। IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बातचीत करनी होगी और इससे महंगाई बढ़ रही है। शरह सूद को 13.25% पर रखना गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उसकी निजकारी की जाएगी। ये उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया, जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उसकी निजकारी की जाए। अच्छा जी आगे चलते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा कि नए टैक्सेस की बजाय जो टैक्स नेट है वो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे मुल्क में शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसी नहीं है, जबकि चीन तुर्की और भारत ने मुआशी पॉलिसियों में तसलसल रखा है। ये साथ साथ आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी शौकत रीन साहब का मजीद क्या कहना था ज़रा ये भी सुन लीजिएगा, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जी ज़रात सनत प्राइस कंट्रोल हाउसिंग सेक्टर में बेहतरी की ज़रूरत है। सिर्फ 0.25% हाउसिंग मॉर्गेज है और हाउसिंग सेक्टर की बहाली से 20 दूसरी सनतों का पहिया चलेगा। तमाम सूबों के महासिल का 85% यानी 85% 9 बड़े शहरों पर खर्च होता है। ये सब आपने सुन लिया। अच्छा जी अब जो वज़ीर ख़जाना है शौकत रीन साहब वो तो कह रहे हैं जी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को काबू करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, मज़ीद इकदाम भी करने हैं। अब देख रहे हैं कि शौकत रीन साहब जहाँ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को मान रहे कि बढ़ रही है और कंट्रोल करने की बात भी करें, आखिर कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है उनके पास, क्या हिकमत अमली, क्या किया जाएगा, क्या आइडियाज़ हैं, कैसे किया जाएगा, कितने कामयाब होते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे से 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना फैज़ुल्लाह कमोकी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और माहिर मुआशिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमोका साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये IMF के साथ तो सर आपकी हुकूमत में डील हुई थी ना और आपके वज़रा खजाना थे जिन्होंने उन्होंने इन शरायत पर राजीनामा, तो अब ये जो IMF की शरायत हैं ये सख्त होने का एहसास हो रहा है शौकत तरीन साहब को, वो खुद ये बात मान रहे हैं, अच्छी बात है कि मान रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी निकलता है कि पिछले वज़ीरों की कारकर्दगी उनको क्या दुरुस्त नहीं लग रही है, वो उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है। बहुत बुरे हालात में इकॉनमी जो है वो पिछले ऐसे मिली और एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड चाहिए था और हमारे पास सिवाय स्टेबलाइजेशन का पीरियड चाहिए था और हमारे पास सिवाय इसके कोई और चारा कार उस वक्त नजर नहीं आ रहा था IMF के पास जाने के, तो एक वो स्टेबलाइजेशन का पीरियड चला। अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी अब पाकिस्तान में जो है वो स्टेबल हो चुकी जी। तो आज जो अभी आपने अपने जो इंट्रो में भी जो बात की है वज़ीरे ख़जाना साहब जो आज तशरीफ़ लाए कायमा कमेटी में, हालांकि आज उनका वहाँ पे जो कोई शेड्यूल्ड नहीं था वहाँ पे कमेटी के अंदर आना, सेक्रेटरी ख़जाना ने आज जो है वो कुछ ब्रीफिंग्स देना थी, वो खुद यानी उनके वज़ीरे ख़जाना बनने के बाद ये पहली मीटिंग थी, वो खुद आए, उन्होंने आके कहा कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर यकीन रखता हूँ, मैं तमाम पार्टीज़ के जो मेम्बरान हैं कमेटी के अंदर कायमा कमेटी बराए ख़जाना में उन सबको हम साथ लेके चलेंगे, उनकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला मेंबर जो भी अच्छी तजवीज़ देगा इंशाल्लाह ताला हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है। तो IMF की आपने जहाँ तक बात की तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब हुए हैं और बहुत सारे ममालिक के अंदर IMF ने और दीगर जो एजेंसीज हैं या इदारे हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में नरमी पैदा की है। सही। तो पाकिस्तान भी इस वक्त बड़े सख्त फेज से गुजर रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर जो शरायत तय हुई थी उनके ऊपर अब इन हालात में अमल दरामद करना तकरीबन मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो शौकत तरीन साहब ने इस बात का इरादा किया कि हम उनके साथ बैठेंगे, बैठ के उनको बताएंगे, उनको उनके नुमाइंदे भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे और ये जो शरायत हैं ये रिलैक्स होंगी और जो जो इन शरायत के तहत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था जैसे कि टैरिफ बढ़ रहे थे, बिजली की कीमतें बढ़ रही थीं, गैस की कीमतें बढ़ रही थीं या कोई नए टैक्सेस लग रहे थे, तो अब जो है वो उन चीज़ों के
है वो किया जाएगा। जी जी आपकी आवाज जी 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 तो इसके ऊपर आईएमएफ को राजी किया जाएगा और हमारी ठीक है जी ठीक आपकी आवाज आ रही है। हमारी ये कोशिश होगी गवर्नमेंट की जी जी कि जिस तरह से पहले 3 साल जो थे और जी पहले 3 साल जो थे वो एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। अगले दो जो दो बजट्स हैं वो आज वजीर खजाना साहब ने भी इस बात का यकीन दिलाया है, वजीर अजम इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अगले 2 साल के अंदर लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। आज वजीर खजाना साहब ने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिलियन नौकरियां पर ईयर इंशाल्लाह ताला सिस्टम में लेके आएंगे। हम जो है अपनी जो ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ उसको हम 4 से 5% पर लेके जाएंगे और उस मईशत में बेहतरी लाने के लिए जो जो भी हमें स्टेप्स लेने पड़े इंशाल्लाह ताला हम वो तमाम स्टेप्स लेंगे, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाएंगे। आईएमएफ के साथ जो टैरिफ बढ़ाने की बात है टैरिफ नहीं बढ़ेगा, शरह सूद जो है वो नहीं बढ़ेगी, एसओईज़ जो पाकिस्तान के वसाइल को बुरी तरह से खा रहे हैं और पाकिस्तान के जो मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हैं जो हमारे ये इदारे हैं ये हर साल इसमें कोई 1000 अरब से ज़्यादा हमारा जो है वो हमारे ये एसओईज़ ले जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, तो उन एसओईज़ से को जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। अब उसको जो है वो उसका तरीकाकार फौरी तौर पर ऐसा किया जाएगा कि गवर्नमेंट को उससे अलग कर दिया जाए और इन इदारों को के लिए कोई और निजकारी और दूसरे तरीकाकार पर हम इंशाल्लाह ताला गौर करेंगे। ठीक है तो अब जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स नहीं लगेंगे, जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनके उनको टैक्स नेट में लाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इसमें हम कामयाब भी होंगे। डॉक्टर साहब आपकी वसातत से जी जी। मैं पाकिस्तान के लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ, हमारे कायद इमरान खान साहब जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं तो मेरा ये पुख्ता यकीन है कि वो दिल से और ईमान के साथ अपने पूरे ईमान के साथ ये बात कर रहे होते हैं। तो हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत है, ये बिल्कुल, मुल्क बिल्कुल ये मुल्क जो है वो रमजान की नियत पर तो किसी को शक नहीं है, मेरे ख्याल से मुखालिफिन की नियत पर तो शक नहीं करते हैं के ऊपर जो हिदायत की ठीक है मैं आपको आपकी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उनकी नियत पे तो किसी को शक नहीं, मेरे ख्याल से मुखालिफिन भी उनकी नियत पे शक नहीं करते, फारूक सलीम साहब भी अग्री करेंगे। आज अगर हम हमारे लोग एक होती नियत, एक होती परफॉर्मेंस, एक होती टीम, हम मिलावट नहीं करेंगे, हम कम नहीं तोलेंगे, हम जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में जो बहुत सारी जो महंगाई की जो इस वक्त का अफरीत है वो बहुत हद तक काबू में आ जाएगा। बहुत प्यारी बात, ठीक है जी, आपका डिटेल से जवाब आ गया, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं चाह रही थी कि आप जरा वन गो में बात करें। अब फारूक साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपने कमोका साहब को भी सुना, फैजुल्ला साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, एक तो मुझे ये बात बड़ा कंफ्यूज करती, जरा मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा, जब एक बात होती नीयत की कि नीयत की बात की जाती कि खान साहब जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं, अरे किसी को शक नहीं है, लेकिन साथ एक टीम भी होती है ना, आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आप अकेले तो नहीं ना कुछ कर सकते, आपकी एक टीम है, उस टीम की परफॉर्मेंस है, अब उसका अंदाजा यहाँ से लगा लें कि अभी 3 साल मुकम्मल नहीं होते, मतलब आधा टेन्योर से थोड़ा सा ऊपर अरसा गुजरे और कितने वजीरे खजाना तब्दील हो गए, अब जब कोई नया आता है तो उसके सर पे जब ये तलवार लटकती रहेगी कि पता नहीं मैं कितने दिन हूं, मुझे कब फारिग कर दिया जाएगा, मेरे बाद नेक्स्ट कौन होगा, तो साइकोलॉजिकली उस बंदे पे कितना प्रेशर होगा, वो कितना परफॉर्म करेगा, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, आप इस टीम का हिस्सा रहे हैं, आप माहिर मौशियात हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अंदर से आप सारी कहानियां समझते हैं, मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि अब ये जिस तरह शौकत तरीन साहब जो बता रहे हैं शक्त रायत शरायत होने का उनको बाकायदा एहसास हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने ही हुकूमत के जो उनसे पहले इसी मनसब पर फायज वज़रा खजाना रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर इनडायरेक्टली सवाल उठा रहे हैं। पिछले कोई 6 महीने से हुकूमत की तरफ से मैं समझ रहा हूँ कि सियासी नारा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी इशारे जो हैं वो सारे पॉजिटिव हो गए हैं, मस्बत हो गए हैं, तो उस पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारी हमारी मईशत के सारे इशारे वाकई में पॉजिटिव हो गए हैं तो फिर हमें आईएमएफ के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आईएमएफ के चार्टर के अंदर लिखा है कि जो मुल्क जो हैं वो संगीन माशी कंडीशन से जब वो सामने हो जाते हैं रिजॉर्ट रह जाता है, उनके पास कोई और हरबा नहीं बचता, तो फिर ममालिक जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं। तो अगर हम सीधी राह पे चल हमारी मईशत
तो फिर हमें IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमें जब बताया जाता है कि हफीज शेख साहब, डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कमालात कर दिए, मईशत बहुत जबरदस्त कर दी उन्होंने, दूध और शहद की नहरें बहने लगी, ये 3 तारीख तक तो हमें वजीर आजम साहब यही बता रहे हैं। अगर वाकई में उन्होंने कमाल किया तो फिर उनको निकाल क्यों दिया गया? तो क्या ये जो वज़रा बदले जाते हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि चौथा वजीर खजाना सामने आया है, क्या ये किसी कारकर्दगी के बदले जाते हैं, उनको बदलने की बुनियाद भी क्या है? फिर आप देखिए, आपने टीम का जिक्र किया, जो सबसे जबरदस्त बात आपने की है वो आपने टीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे दिलों में कतन शक नहीं है कि नीयत एग्जिस्ट करती है काम करने, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई खोखा नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का एक मुल्क है। यहाँ की माशी पॉलिसी चलाने एक आपको कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें सबसे पहली चीज है इस वन कहलाता है, वो होता है टीम को तश्कील देना। आप पहले टीम की तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठती है, कई महीने बैठती है और मनसूबा बंदी करती है, फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है और कई महीने और गुजर जाते हैं उस अमल दरामद के ऊपर, और फिर फेज 4 जो चौथा फेज है उसमें जाके आपको कोई नतीज सामने आते हैं। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ पे जरा हालात के पहले तकरीबन 8 महीने हमारे पास एक वजीर खजाना रहे असद उमर के नाम से, फिर 23 महीने से वजीर खजाना आ गए डॉक्टर हफीज शेख के नाम से, फिर 18 दिन के लिए तीसरे वजीर खजाना आ गए हमाद अजहर साहब के नाम से, फिर ये खजाना आए। इसका मतलब ये है कि 32 महीने के बाद 50% टाइम जो है वो PTI का गुजर चुका है। अभी तक ये फेज में है, अभी तक टीम की तश्कील दी जा रही है। अब खुदा करे कि वजीर खजाना जो आए हैं वो एक काबिल किस्म की टीम ठीक कर लें, अभी तश्कील दी जा रही है, ठीक है। अब वो जब टीम बन जाए फिर वो बैठेगी और कई महीने लगेंगे उसको मनसूबा बंदी करने के लिए, ठीक है, और फिर कई मजीद सरकार होंगे उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होने के। और मैं जरा लाइटर नोट पे बात कहना चाहूंगी, दुख भी वैसे है, लाइटर नोट भी है लेकिन दुख भी है, मतलब दो चीजें एक साथ है, मुझे समझ अपने तासुरात का इजहार कैसे करूं। आपने कहा पर कई महीने इसमें लगेंगे, कई महीने उसमें लगेंगे, और तब तक कोई नया वजीर खजाना ना आ जाए, नया चेहरा सामने आ जाए। देखिए, मैं तो मुल्क चलाना, मुल्क किस तरह चलता है, पॉलिसी किस तरह चलती है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो ये बाकी जो 2.5 साल या आधा अर्सा रह गया है उसमें कोई नतीज सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल। मैंने आपको फेज गिनवा दिए, अभी हम फेज 1 में फंसे हुए हैं, तो फेज 1 से निकलेंगे, फिर फेज 2 आएगा, फिर फेज 3 आएगा। अच्छा, फिर आप सोचिए कि मईशत को कई दफा हम मईशत दान भी बड़ा पेचीदा करके पेश कर देते हैं, और कभी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो जाती है, कभी GDP की टर्म इस्तेमाल की जाती है। देखिए, आम पाकिस्तानी का करंट अकाउंट सरप्लस से GDP से कतई कोई ताल्लुक नहीं। आम पाकिस्तानी की मजबूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के अंदर घूमती है। वो कहती है कि आटे की कीमत भाई क्या है, अगर 3 साल पहले 35 रुपए थी तो आज 70 रुपए क्यों हो गई या 75 रुपए क्यों हो गई। दूसरी बात देखती है कि भाई चीनी की कीमत क्या है, अगर 3 साल पहले 55 रुपए की थी तो आज 100 रुपए से ज्यादा क्यों हो गई। और तीसरी मईशत की उनकी उनका इशारा होता है कि बिजली का बिल आज मेरा कितना है, अगर बिजली का बिल मेरा 1100 रुपए का आ रहा था 3 साल पहले तो आज वो 2800 रुपए यूनिट, 28,000 रुपए पे किस तरह पहुंच गया। तो मईशत को पेचीदा ना बनाए, आम आदमी की मईशत ये 3 चीजें हैं। हमें ये बता दिया जाए कि आटे की कीमत जो 70-75 रुपए पे पहुंच गई है, क्या नए वजीर खजाना आएंगे तो उसको वापस 30-40 पे ले जाएंगे? बिजली की कीमत जो 2800 रुपए यूनिट पहुंच गई है, नए वजीर खजाना आएंगे तो क्या उसको वापस 11-12-15 रुपए पे ले जाएंगे? चीनी की कीमत जो 100 रुपए चली गई है, क्या वापस 55? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से जरा अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। फैजुल्ला साहब, आपने सुना फारूक साहब को भी, और गहरी नज़र रखते हैं वो इस मईशत पर। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कमों को सब, अगर ये हुकूमत आवाम पर इसी तरह महंगाई के मतलब पहाड़ तोड़ती रहेगी
तो फिर अगले इलेक्शन में अवाम से वोट की उम्मीद आप कैसे रखेंगे? क्योंकि अब हम जिससे भी बात करते हैं, आप भी बहुत से लोगों से मिलते होंगे, हम भी मिलते हैं, फारूक साहब भी मिलते होंगे, आम बंदे को कोई सरोकार नहीं है, यकीन जानी है, मैं बड़े यकीन से बता रही हूँ, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन वज़ीर आज़म है, कौन वज़ीर खजाना है, बल्कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने तालीम याफ्ता नहीं, फारूक साहब आप अग्री करेंगे, उनको तो नाम नहीं पता वज़ीर खजाना का, उनको नाम ही नहीं पता किसी का, बस वो कहते हैं कि चीज़ें महंगियाँ हो गई हैं, टमाटर, प्याज, आलू, ये जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दालें, चावल, ये बहुत महंगे हो गए हैं। गरीब बंदा सिर्फ महंगाई पर रोता है, और जो महंगाई में रिलीफ नहीं देगा तो इतने ज़्यादा वोटर जो हैं आपके चले जाएंगे, क्या करेंगे, सोचा है कुछ? देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को तो मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। जो जो फूड इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं फूड आइटम्स के ऊपर, तो ये पूरी कोविड के बाद से आप पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लें, इंडेक्स देख लें, उनके भी डॉक्टर साहब अब बात तो कर रहे थे, तो मेरे लिए नायत काबिल एहतराम हैं, इनको भी पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो फूड आइटम्स हैं इनकी कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बढ़ी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो किसान है, आप आज इस बात का पता कर लें कि लोगों को उनकी फसलों के सही मुआवजे मिले हैं, इससे भी कुछ कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ा है। इस और जैसे कि मैंने पहले कहा है, कुछ हमारे जो यहाँ पे माफियाज़ हैं, जो कार्टेल्स हैं, वो नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट कामयाब हो, और उनकी बड़ी शिद्दत से एक ख्वाहिश है कि इस गवर्नमेंट को नाकाम किया जाए। तो मैंने पहले आपकी वसात से ये बात की है पाकिस्तान के इन दोस्तों से, इस तबके से, कि इमरान खान साहब तो अपनी तई पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये एक विशेष सर्कल है, जो भी इस महंगाई की लपेट में या इस सारे इस सर्कल में जो जो भी लोग आते हैं उनको जो मार पड़ रही है, अगर वो अपने आप को सही कर लें, अपने चीज़ों को दुरुस्त कर लें, तो मेरे ख्याल में उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ज़खीरा अंदोज़ी अब रोज़ आप देख रहे हैं, कहीं से 50,000 टन, कहीं से 50,000 बोरी, कहीं से 40,000 बोरी, कहीं से 30,000 बोरी जो ज़खीरा की वे अजनास हैं वो निकाली जा रही हैं। इसी तरह चीनी के जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास से चीनी बरामद की जा रही है। हमारे मतलब मुल्क के अंदर जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो महंगाई में, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं, हमेशा से जब से मैं देखता आ रहा हूँ, हमेशा से एक महंगाई का तूफ़ान आता है। हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है कि आइंदा से हम टारगेटेड सब्सिडी दें, जो पिसे हुए तबकात हैं उनकी इनकम में इजाफा करें, उनकी इनकम को बढ़ाएं, जो हमारे एहसास प्रोग्राम है या इस तरह के दूसरे प्रोग्राम हैं उनको हम आगे लेके चलें, हम इन्वेस्ट करेंगे। अब ज़राअत के ऊपर, मैं ज़राअत के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, SMEs के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लास्ट एक मेरे से एक डेढ़ मिनट रह गया है, ये ठीक है, मैं चाहती हूँ आपका जो लास्ट कमेंट है जरा वो भी दे दें, फिर मैं फारूक साहब के भी लास्ट कमेंट ले लूँ। इसमें मैं सिर्फ एक बात को करना चाह रहे हैं, प्लीज जरा लास्ट कमेंट। जी एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुल्क के अंदर बैंकिंग का सिस्टम है, उसमें पहले आम आदमी को, गरीब आदमी को कर्जा नहीं मिलता था, यानी हाउसिंग के अंदर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो GDP का 0.25% है जी। आज वजीर खजाना ने बात करते हुए कहा कि ये शर्मनाक हद तक कम है और हमें इसको ऊपर लेके जाना है, और इसके लिए इकदाम जो किए हैं स्टेट बैंक ने भी किए हैं, और जो हमारी वजारत खजाना है, जो हमारी गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है वो भी, इसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों को घर भी मिले, मुल्क की इंडस्ट्री भी चले, और इससे मुल्क की मईशत के अंदर जो है वो बेहतरी आए, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो उसमें इजाफा हो। बैंकिंग सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, पूरी इंडस्ट्री इस वक्त फुल स्विंग के ऊपर चल रही है। मैं फारूक सलीम साहब को दावत देता हूँ, वो फैसलाबाद आएँ, आके देखें कि कोई कारखाना, कोई एक शिफ्ट भी किसी कारखाने के अंदर बंद हो रही है, नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह ताला जो है FBR में भी इस्लाहात का एजेंडा है, महसूलात को बढ़ाने का जो कल्चर है या हरासमेंट का जो एक अंसर पाया जाता है, इंशाल्लाह उसको भी ख़त्म किया जाएगा। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बात की है, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। सही। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर बड़ा हमारा अब
100% हमारा फोकस ये है, हमें पता है हमने लोगों के पास जाना है, हमने लोगों से वोट लेने हैं, हम उनके वोट से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले दो साल मैं, लेट मी अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगले दो साल पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानियों के दो साल होंगे। ठीक है जी फारूक साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, साथ में ऐड करना चाहूंगी कामोगा साहब, वैसे ये जो श्योरिटी आप लोग दे देते हैं ना, टाइम फ्रेम भी बता देते हैं कि अगले दो साल में ये हो जाएगा, अगले छह महीने में हो जाएगा, अगले छह तीन महीने में ये हो जाएगा, तो फारूक साहब आप अग्री करेंगे ये टाइम फ्रेम जो ना बड़ा गले पड़ा है, क्योंकि लोग कहते हैं जी छह महीने हो गया बताएं, एक साल हो गया आप बताएं, डेढ़ साल हो गया आप बताएं, तो आपको क्या लगता है जब टाइम बता दिया जाता है, ठीक है इनकी नीयत अच्छी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आवाम पूछने पर आ जाती है? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आपको, मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि मुझे आपकी नियत पे शक नहीं है। जी 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 कम होगा, बजट में ही आपको समझ, इस बजट में ही लोगों को पता चल जाएगा। चले आई विश, मैं तो चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ऐसा ही हो, हम तो कुछ चाहते हैं, बात नहीं करता। जी जी, बजट आ रहा है, ठीक है, ये अल्लाह करे, अल्लाह करे आवाम के लिए आसानी हो, हम तो खुद दुआ गुए हैं, बिल्कुल मैं तो खुद दुआ करूंगी अगर आप जो कह रहे हैं ऐसा हो। जी फारूक साहब, ये बजट तो दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह अगर आप कुछ बेहतरी का सोच रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा हो। जी फारूक साहब, आपको उम्मीद है? हमारा तो ये पेचीदा मामला नहीं है। जी जी, अगर किसी गारंटी देनी है, इसकी अश्योरेंस देनी है, तो हमें ये बता दिया जाए कि इस बजट के कितनी देर आटे की कीमत वो आधी हो जाएगी या वापस वहां पहुंच जाएगी जहां तीन साल पहले थी। ये श्योरिटी दे दी जाए कि चीनी 110 की बिक रही है, ये 60-70 पे आ जाएगी, हम नहीं कहते कि तीन साल पहले जो 55 पे बिक रही थी। हमें ये श्योरिटी दे दी जाए कि जो 28 रुपए का एक यूनिट हो गया है वो 40 पे नहीं चला जाएगा, वो वापस कहीं 10-15 पे आ जाएगा जो तीन साल पहले हुआ करता था। तो इसको इतना पेचीदा ना बनाए, श्योरिटी देनी है, ये तीन चीजों की श्योरिटी है, ये तीन चीजें जो है ये पाकिस्तानी आम आवाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर तो आटा वापस आ जाता है 35-40 रुपए में, 45 रुपए में, चीनी पहुंच जाती है 60-70 रुपए में मे भी, और बिजली की ठीक है जी, ठीक है जी, वापस 15 पे आ जाए, ठीक है। मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इसी के साथ डॉक्टर फिजाक बरखान को दी थी मुलाकात, होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह ने कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।